नमस्ते, स्वागत है सभी को भाग्यश्री किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भगवान को भोग अर्पण करने वाला सूजी का हलवा। इसके लिए हमें घी, सूजी, चीनी बराबर मात्रा में चाहिए होगा और 4-5 इलायची को कूट लीजिए। थोड़ा सा दूध में केसर को भिगा लें और ड्राई फ्रूट्स को ले लें। आप चाहे तो अपने मर्जी का कोई सा भी ले लें। और 2 चम्मच घी हम ले लेंगे गाय का और उसमें हम अपना ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, आप चाहो तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। गाय का घी से बहुत अच्छा बनता है। वैसे इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और पूरा घी डाल के हम सूजी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम अच्छे से मिला लें, मिलाते रहेंगे अच्छे से। ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा सूजी थोड़ा सा हो गया है और अच्छे से ब्राउन हो गया है। हम इसमें 3 कप पानी डाल देंगे, जिस कप से हमने सूजी लिया है। 3 कप पानी ले लिया अच्छे से मिलाकर। इसमें अब हम इलायची डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, फिर बंद करके थोड़ा पका लेंगे। देखिए, इसमें हम केसर दूध डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इससे खुशबू अच्छी आएगी और नेचुरल कलर भी आएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे से मिला लें। इसके बाद हम चीनी डालकर मिला लेंगे। अच्छे तरीके से मिला करके बंद करके थोड़ी देर पकाएंगे। अब आप देखेंगे घी, चीनी सब हमारा सूजी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए कितना अच्छा बन रहा है हमारा हलवा। और हम ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा बचा करके रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है दानेदार हमारा हलवा। और हम भगवान को अपना ठंडा होने पर भोग चढ़ा देंगे और आप भी इसी तरीके से बनाइएगा हलवा।